हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और आज हम आ गए हैं दोबारा मध्यकालीन भारत के संदर्भ में चर्चा करने के लिए। और हम लोग आज वापस से प्रांतीय राज्यों के उदय के बारे में पढ़ने वाले हैं। और प्रांतीय राज्यों के उदय में आज हम लेने वाले हैं किसको? गुजरात को। ठीक है, गुजरात के बारे में समझेंगे। गुजरात से पहले हमने जो है कई और प्रांतीय राज्यों के बारे में चर्चा कर ली है, जैसे कि विजयनगर हुआ, जौनपुर हुआ, ठीक है, मालवा हुआ। तो इसके बाद गुजरात हम लेने वाले हैं, कश्मीर भी करा दिया। तो एक एक करके इन सब के बारे में विस्तृत चर्चा हो रही है और यहाँ के शासकों से भी तुम रूबरू हो रहे हो, उनकी शासन व्यवस्था से रूबरू हो रहे हो और इनका क्षेत्रीय शासन के साथ साथ जो केंद्रीय शासन है वो भी आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। तो आज हम गुजरात के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर गुजरात में क्या कुछ होता है, कैसे ये स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आता है और कितने दिन अपने स्वतंत्र को ये जो स्वतंत्रता थी उसको बचा के रख पाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं गुजरात से। आज का गुजरात का जो लेक्चर है वो हम पूरा कवर करने का प्रयास करेंगे अगर समय हमारे पास बचेगा तो। देखिए, गुजरात के बारे में जानने से पहले आप लोगों को सभी को मालूम है, क्या मालूम है कि गुजरात है कहां पे? अपने राजस्थान के नीचे, ठीक है, अपने राजस्थान के कहां पे है? नीचे है, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये वाला जो एरिया है वो क्या है? गुजरात है। ठीक, अब देखिए हम चलते हैं इतिहास में और जो ये टॉपिक मांग कर रहा है उस चीज के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, हमें इसके लिए काफी पीछे जाना होगा और किसके समय पर जाना होगा? इसके लिए हमको जाना होगा अलाउद्दीन खिलजी के समय। किसके समय? अलाउद्दीन खिलजी यानी कि एके के समय पर हमको जाना होगा, क्योंकि मैंने तुमको बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, गुजरात पर आक्रमण करता है, बताया था ना। उस समय यह भी बात बताई थी कि यहाँ के शासक जो कर्ण थे उनकी पत्नी को ये क्या किया था? ले आता है, वहां से ले आता है, उससे क्या कर लेता है? शादी कर लेता है, ये वाली बात बताई थी ना। तो हम वापस वहीं चलते हैं और वहीं से आज शुरू करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर क्या किया? आक्रमण किया। क्या किया? गुजरात पर आक्रमण किया, ठीक है। और यहां का जो शासक होता है कर्ण, वो क्या है, इसका सामना नहीं कर पाता और वो भागने का प्रयास करता है। राजा कर्ण और वो अपनी जो बेटी होती है देवल, वो दोनों तो भागने में सफल हो जाते हैं घोड़े के माध्यम से, लेकिन वो अपनी पत्नी को नहीं ले जा पाते, ठीक है। इसीलिए जो इनकी पत्नी होती है वो आक्रमणकारियों के हाथ लग जाती है, कमला देवी, जिससे शादी कौन कर लेता है? अलाउद्दीन खिलजी कर लेता है, ठीक है। ये काफी पीछे की स्टोरी है, हमने काफी पहले सब कुछ बता दिया था। अब देखिए, गुजरात पर आक्रमण होता है और गुजरात को किसमें शामिल कर लिया जाता है? दिल्ली के अंतर्गत क्या कर लिया जाता है? शामिल कर लिया जाता है, ठीक है। तो गुजरात पर आक्रमण किया और इसे अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया, ठीक है, अपने साम्राज्य का क्या बना लिया? हिस्सा बना लिया। अब यहां तक ठीक है, यह सारी घटना कब की है? अगर आपको डेट याद मालूम हो तो 1297 की यह घटना है, ठीक है। तिथियों को रिवाइज करोगे तो वो तुम्हें याद होती रहेंगी, अगर उनको छोड़ दोगे तो वो तुम्हें छोड़ देंगी, ठीक है। तो ये जो घटना है वो कब की थी? 1297 की ये घटना होती है। ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि सबसे पहले उसको किसमें शामिल कर लिया गया? दिल्ली में शामिल कर लिया गया। कब कर लिया गया? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कर लिया गया।
ठीक है, चलिए यहां तक। अब देखिए आगे क्या होता है। अब हम तीन सीधा 1197 से कहां पहुंचते हैं, कहां पे पहुंचते हैं, 1391 पहुंचते हैं। ठीक है, कहां पे पहुंच जाते हैं, 1391 में पहुंच जाते हैं। क्यों पहुंच जाते हैं, क्योंकि यहां पर अब जो है वो शासन आ गया है मोहम्मद शाह तुगलक का। ठीक है, इसका मोहम्मद शाह तुगलक का, क्योंकि वो मैंने इसलिए बताया था क्योंकि सबसे पहले उसको क्या किया था, विजित किया था। लेकिन जो पूरा घटनाक्रम चलेगा वो यहां पे होगा। अब देखिए 1391 में मोहम्मद शाह तुगलक का शासन काल आ जाता है। और मोहम्मद शाह, तुम लोग पूरा लिखा करो, ठीक है, मैंने यहां से अलाउद्दीन खिलजी लिख दिया, तुम लोग भी ऐसे मत लिखना, तुम पूरा लिखना क्योंकि बाद में भूलो ना, क्योंकि एक ही नाम के बहुत सारे लोग भी होते हैं और बहुत सारे लोग मिलते जुलते भी होते हैं, और एक उसी नाम का दिल्ली सल्तनत में बैठा है और उसी नाम का किसी राज्य में बैठा है, तो उनके बीच में क्या हो, मेल ना हो, वरना दिमाग में क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, और कंफ्यूजन अच्छा नहीं होता। तो मोहम्मद शाह तुगलक के समय की घटना है 1391 में ही। तो ये क्या करता है, मोहम्मद शाह तुगलक जफर खां को, किसको, जफर खां को गुजरात का, किसका, गुजरात का सूबेदार नियुक्त करता है। ठीक है, सूबेदार नियुक्त करता है, कहां का सूबेदार नियुक्त करता है, इसको गुजरात का सूबेदार नियुक्त करता है। देखिए इसने क्या किया, जफर खां को गुजरात का सूबेदार नियुक्त करके भेज दिया। लेकिन अब क्या होता है, भारत पर तैमूर का आक्रमण होता है। देखिए डेली बातों में तैमूर का आक्रमण जो है वो डेली आता है। ठीक है, जब डेली आता है तो उसका आपको तिथि भी याद हो जाती होगी, क्योंकि हम उसके बारे में डेली चर्चा करते रहते हैं, तो इसलिए तिथियों को याद रखना है। तैमूर का आक्रमण होता है किस, अब देखिए गुजरात में कौन था उस समय शासक, मालवा में उस समय शासक कौन था, कश्मीर में उस समय शासक कौन था, तो मैं बता रहा हूं ना हर पॉइंट का, तो इसलिए अलग अलग शासकों को भी तुमको याद रखना है। ठीक है, तो क्या हुआ, जफर खां को गुजरात का सूबेदार बनाने क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। लेकिन तभी क्या होता है, ठीक है, तभी क्या होता है, इसका आक्रमण होता है, तैमूर का आक्रमण होता है। और जब तैमूर का आक्रमण होता है तो मोहम्मद शाह तुगलक जो होता है ये भागकर कहां चला जाता है, गुजरात चला जाता है। ठीक है, तो मोहम्मद शाह तुगलक भागकर गुजरात आ जाता है, क्योंकि हम लोग कहां पे हैं, गुजरात में हैं इस समय, कहां पे हम, गुजरात की बात चल रही है, तो गुजरात आ जाता है। लेकिन लेकिन जफर खां उसका स्वागत नहीं करता, उसका स्वागत नहीं करता, दिख रहा है वहां तक, वो लिख रहा है स्वागत नहीं करता। ठीक है, जफर खान स्वागत नहीं करता, क्यों नहीं करता, कि बोल रहा था तेरे पीछे तैमूर का आक्रमण हुआ है, तू मेरे घर पे आएगा तो वो तेरे पीछे पीछे यहां आ जाएगा, और भैया तू यहां पे मत आ, तू हमारा राजा है वो ठीक है, ऐसा कर और कहीं चला जा। तो मोहम्मद शाह तुगलक क्या होता है, वापिस भाग कर कहां चला जाता है, मालवा चला जाता है। ठीक है, मालवा चला जाता है, अभी पढ़ा है ना मालवा हमने, ठीक है, तो मालवा चला जाता है। ठीक है, मोहम्मद शाह दिल्ली का सुल्तान था, तैमूर के आक्रमण के समय ये भागकर मदद के लिए गुजरात आता है, क्योंकि ये सोच रहा था कि मेरा सूबेदार गुजरात में बैठा हुआ है, वो मेरा स्वागत करेगा, अच्छी अच्छी मिठाइयां खिलाएगा, फूल माला डालेगा। लेकिन जब ये गुजरात गया तो इसे किसी ने पूछा तक नहीं, तो ये क्या हुआ, वहां से भागकर कहां गया, मालवा आ जाता है। चलिए यहां तक ठीक होता है। अब देखिए स्वाभाविक है, इसके मन में महत्वाकांक्षाएं जाग गई, इसने सोचा कि मैंने तो अपमान कर दिया दिल्ली के सुल्तान का, अब मुझसे बड़ा कौन हो सकता है। तो होता क्या है, ये अपने पुत्र को, कौन, जफर खां, ठीक है, तो यहां पे लिखिए जफर खां, यहां दिख रहा है ना, यहां तक चलिए, जफर खां
अपने पुत्र को, ठीक है। अब देखिए जफर खान जो था, जफर खान का पुत्र कौन था? तातार खान। क्या नाम था? तातार खान। जितने आप लोगों के अपने रिश्तेदारों के नाम याद नहीं होंगे, उनसे ज्यादा रिश्तेदारों के नाम तो इनके याद हो जाएंगे तुमको। उसका बेटा वो था, उसका बेटा वो था, उसका दामाद वो था, ठीक है। तो जफर खान जो होता है अपने पुत्र को, और पुत्र का नाम क्या था? तातार खान था। नाम याद रखना है, ठीक है। अब देखिए आप लोगों के मन में विचार आ रहा होगा कि सर आज से पहले तो हमने तातार खान का नाम ही नहीं सुना, तो ये इसका क्या नाम था? मूल नाम होता है। लेकिन आप लोग कभी भी मूल नाम को नहीं जानते, आप लोग हमेशा उपाधियों को जानते हो। इसलिए इसने जो उपाधि धारण की थी वो धारण की थी, इसकी उपाधि धारण की थी नसरुद्दीन मोहम्मद साहब, ठीक है। ये नाम तुमने सुन रखा है, नसरुद्दीन मोहम्मद साहब, ठीक है। ये नाम तुमने सुन रखा होगा, ये नहीं सुन रखा। तो इसलिए जफर क्या करता है अपने पुत्र को, तातार खां को, तातार खां जो होता है वो नसरुद्दीन मोहम्मद शाह के नाम से जो गुजरात की गद्दी होती है उस पर बैठता है, ठीक है। कब बैठता है? तो तातार खां को सुल्तान बना दिया। क्या बना दिया? सुल्तान बना दिया। कब बना दिया? 1401 डिग्री में, ठीक है। कब की घटना है? 1401 की घटना है, समझ आया? तातार खां को 1401 में नियुक्त कर देता है। अब देखिए इसने जल्दीबाजी में अपने बेटे को क्या है, शासक को नियुक्त कर दिया, कोई परेशानी नहीं। लेकिन इसके जो लक्षण होते हैं वो कैसे होते हैं? सही नहीं होते। अब सही नहीं होते का मतलब क्या होता है? सही नहीं होने का मतलब होता है वो दारू पीता था जाके डेली ठेके में, ठेके का मतलब जहां भी दारू मिलती है। अब इसको क्या जरूरत थी, सुल्तान था तो घर ही दारू आ जाती थी, तो दारू पीता था। उसके अलावा लड़कियों के पीछे घूमता रहता था, ठीक है। तो इसके जो आदतें थी उनसे क्या हो गया, ये परेशान हो गया। इसे लगता था कि इतना बड़ा सुल्तान है, गुजरात का राजा है, तो ये आदतें इसके लिए अच्छी नहीं है। इसको काफी समझाया कि देख बेटा तेरी इज्जत तो है नहीं, मेरी इज्जत तेरे नाम के साथ जुड़ी हुई है, उसकी क्यों बाट लगाना चाहता है। तो पिताजी को बोला कि पिताजी ऐसा तो चलता है आजकल, नया जमाना है। तो काफी समझाया इसको लेकिन ये नहीं माना। जब ये नहीं माना तो पिताजी के पास क्या विकल्प रह जाता है? अब इसको मुर्गा बना के पीटते तो नहीं, तो क्या किया इसने, किया जफर खान ने किया, ठीक है। अब देखिए सुल्तान बना दिया लेकिन बाद में वो कहानी याद रखनी, ठीक है, परेशान होने वाली। लेकिन बाद में इसको जहर देकर मार दिया, ठीक है। अपने पुत्र को बोले कि बेटा अब काफी हो गया, काफी साल हो गई, तुम लोग तुम नहीं सुधर रहे हो, तो ऐसा करो तुम जाइए, ये जीवन जो है तुम्हारे काम का नहीं है। और इनको क्या है, जहर दे देते हैं और शांति की नींद सुला देते हैं। उसके बाद वो कहाँ जाते हैं, स्वर्ग नरक जन्नत गंदुम कहाँ जाते हैं वो आगे का होता है। लेकिन बाद में इसको क्या है, जहर दे दिया जाता है और इसको क्या है, मार दिया जाता है, ठीक है। तातार खां जो थे वो गए ऊपर अल्लाह के पास गए, ठीक। अब देखिए अब आगे क्या होता है, इसको जहर दे दिया और बाद में जो जफर खां होता है, जफर खान ने, ठीक है, किसने, जफर खान ने, यानी कि तातार खां के पिताजी ने, जफर खान ने मुजफ्फर साहब, ठीक है, इसकी उपाय धारण की थी मुजफ्फर साहब की उपाधि धारण की और सुल्तान बन गया। क्या बन गया? सुल्तान बन गया, ठीक है। जफर ने क्या की, मुजफ्फर शाह की उपाधि धारण करता है और क्या बन जाता है, सुल्तान बन जाता है। जहां तक तुम गुजरात का इतिहास पढ़ोगे तो मुजफ्फर शाह के नाम से इसका नाम मिलेगा, ठीक है, क्योंकि उपाधियां ज्यादा मिलती है।
आप देखिए ये सुल्तान बन जाता है, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन उसके कुछ समय के बाद इसका जो पौत्र होता है, किसका पौत्र होता है, जफर खान का पौत्र होता है, कौन होता है, अलप खान। कौन होता है, अलप खान होता है पौत्र, यानी कि बेटे का बेटा। अब उसने पूरे घटनाक्रम को समझा, उसने बोला कि भाई बाबा आप क्या कर रहे हो, लगा तो बाबा ही उसका, तो बोले बाबा क्या कर रहे हो, पहले राजा थे, बाद में राजा बदल दिया, फिर उसको झेड़ दे दिया, उसको मार दिया, फिर वापस से बन गए, यानी कि बुढ़ापे में भी मन नहीं भर रहा आपका, तो ऐसा करते हैं रिवीजन करते हैं। अब रिवीजन से मतलब क्या है, रिवीजन से मतलब क्या है, आपने जहर देकर मार दिया तातार खान को, तो हम आपको जहर दे देते हैं ताकि जो बदला है वो पूरा हो जाए। और अलग खाने क्या किया, अलग खाने क्या किया, जहर दे दिया किसको, मुजफ्फर साहब को। ठीक है, किसको जहर दे दिया, मुजफ्फर साहब को या जफर खान को, दोनों का अर्थ किए लिखिए इसमें, उपाधि धारण की और सुल्तान बन गया। लेकिन कुछ समय बाद, लेकिन कुछ समय बाद, ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद इसके पौत्र, पौत्र का मतलब होता है बेटा का बेटा, पता ही होगा इतना, ठीक है, इस समय के बाद क्या हुआ, इसके पौत्र, पौत्र का नाम क्या था, क्या था पौत्र के नाम, अलग खान। तो इसके पौत्र अलग खान ने जफर खान को जहर दे दिया, जहर दे दिया। अब जहर देने के बाद ऐसा तो एनी बॉडी बनेगी उसकी, होगा क्या, मरेगा ही ना, तो लिख लो इसमें जहर दे दिया और उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है, आगे जोड़ देना, जहर दे दिया और उसकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हो गई, ठीक है, अब देखिए अलग खान ने क्या किया, जहर दे दिया और अलग खान बन जाता है नया सुल्तान। कहां का नया सुल्तान बन जाता है, गुजरात का नया सुल्तान बन जाता है। ठीक है, और ये जो उपाधि धारण करता है कौन, अलग खान उपाधि धारण करता है अहमद शाह की, याद रखना है अहमद शाह की, जिसको गुजरात का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, जिसने अहमदाबाद की स्थापना की थी, जिसको सुल्तानों का विद्वान कहा जाता है, जिसको विद्वानों का सुल्तान कहा जाता है। तो अब हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो तुम्हारा बोर्ड वर्क ये स्क्रीन शॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, मैं इधर उधर हो जाता हूँ, लेकिन अगर आप वीडियो पुश करके ऐसे करके वैसे करके लिखोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया, मानो चलो ठीक है स्क्रीनशॉट ले लिया, अब मैंने यहाँ पे एक बात छोड़ी थी कि जफर खान को जहर दे दिया, अब इसके आगे मैंने बोला था इसकी मृत्यु हो गई, तो स्क्रीनशॉट में थोड़ी दिखेगी कि उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है, तो चलिए मिटाते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं अहमद शाह के बारे में, अहमद शाह का मतलब अलग खान, ठीक है, जफर खान का मतलब मुजफ्फर साहब, तातार खान का मतलब नसरुद्दीन मोहम्मद साहब, नाम याद रखो, उपाधि याद रखो, काम आएंगे, ठीक है, दो चार बार रिवीजन करोगे इनका तो दिमाग में फिट बैठ जाएगी। कैसे, अब तुमको जैसे तुम लोग पढ़ते हो मालवा का इतिहास पढ़ते हो, मेवाड़ का इतिहास पढ़ते हो, ये नाम जरूर मिलेंगे तुमको, ठीक है, तो इसलिए तुम प्रांतीय राज्यों को पढ़ लोगे तो ये लोग जब युद्ध अभियान होंगे तो मुजफ्फर शाह का आक्रमण हुआ, फिर आप लोगों के दिमाग में आएगा ये मुजफ्फर शाह कहाँ से आ गए यहाँ पे, तो जब आप लोगों को एक एक पता होगा भाई गुजरात का शासक था, जैसे ही आपको नाम आएगा जफर खां का नाम आएगा, अलग खां का नाम आएगा, तो पता चल जाएगा ये लोग ऐसे ऐसे सूबेदार बन के आए थे, उसके बाद राजा बन गए, इसने इसको मार डाला, तो जो पूरी थ्योरी है वो दिमाग में क्या हो जाएगी, बिल्कुल स्पष्ट छप जाएगी, फिर कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, नसरुद्दीन, अहमद शाह, मुजफ्फर शाह, मोहम्मद शाह, तुगलक, फिरोज शाह, इनके बीच में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, बिल्कुल स्पष्ट। तो चलिए बात करते हैं किसके बारे में, आप लोगों के नए शासक अहमद शाह के बारे में, तो जानिए अहमद शाह,
ठीक है, कौन? अहमद साहब। मैं पहले ना अमित साहब को भी इन्हीं लोगों में से समझता था कि इन्हीं, जब मैंने नाम सुना था उस टाइम तो मैं सोचता था कि इन्हीं लोगों में से होगा अमित साहब। ठीक है, अब देखिए अहमद साहब, अहमद शाह जो होता है इसका शासन काल होता है 1411 से लेके 1411 से लेके 42 तक। कब से कब तक? 1411 से लेके 42 तक शासन काल होता है अहमद शाह का। अब देखिए अहमद शाह ने बहुत कुछ कराया था और बहुत कुछ इसने गुजरात के शासन काल के दौरान किया था, उसमें से हम कुछ चीजें लेंगे। जैसे सबसे महत्वपूर्ण जो बात है क्या है, इसको गुजरात का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। समझ आया? वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? अहमद शाह को माना जाता है। अहमद शाह कब से कब तक रहता है? 1411 से 11 से लेके और 42 तक ये शासन काल में रहता है। अब देखिए आगे, इसको गुजरात का क्या कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसने और क्या किया? इसने गुजरात में सबसे पहले, इसने गुजरात में सबसे पहले जजिया कर लगाया। क्या लगाया? इसने गुजरात में सबसे पहले जजिया कर लगाया। ठीक है, इसने गुजरात में क्या लगाया? सबसे पहले जजिया कर लगाया। इसको इसको क्या कहा जाता है? सुल्तानों का विद्वान। क्या कहा जाता है? सुल्तानों का विद्वान कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? विद्वानों का सुल्तान। ठीक है, तो दो चीजें लिखनी है, इसको सुल्तानों का विद्वान कहा जाता है और विद्वानों का सुल्तान कहा जाता है। बराबर हो गया? चलिए अब देखिए नेक्स्ट इसमें और क्या है महत्वपूर्ण चीज। इसने अहमदाबाद की स्थापना की। जब भी अहमदाबाद का नाम सुनो तुरंत गुजरात पहुंच जाओ। गुजरात में की स्त्री को अपने याद करना है, तभी जो नाम आए उसके भी सोचना है कि ये किसने बनवाया होगा, ये शहर की स्थापना किसने करवाई होगी। तो इसकी स्थापना कौन करवाता है? अहमद शाह करवाता है। इसने अहमदाबाद की स्थापना की। कब की? कब की बताओ मुझे, बताओ कब की? 1413 में की। कब की? 1413 में की। ठीक है, 1413 में की। कहां पर की थी? तो असवाल, यहां पर लिख लेना, असवाल के निकट। कहां पर की थी? असवाल के निकट इसकी स्थापना की थी। और अहमदाबाद को अपनी राजधानी बना लिया। क्या बना लिया? अहमदाबाद को अपनी राजधानी बना लिया। ठीक, लेकिन अहमदाबाद को अपनी राजधानी बना लिया, लेकिन जब तक अहमदाबाद नहीं था तब तक राजधानी क्या थी? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो इसमें लिखना है अहमदाबाद से पहले गुजरात की राजधानी पाटन, पाटन गुजरात, ठीक है, राजधानी पाटन थी। कौन थी? पाटन थी। क्या थी? राजधानी। हो गया। तो अहमद शाह 1411 से लेकर 42 तक इसको गुजरात का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। गुजरात में सबसे पहले जजिया कर इसने लगाया था। इसको सुल्तानों का विद्वान कहते हैं, विद्वानों का सुल्तान कहा जाता है। इसने अहमदाबाद की स्थापना की थी 1413 में। कहाँ की थी? असवाल के निकट की थी, ठीक है। अहमदाबाद को इसने क्या किया? अपनी राजधानी बना लिया। और अहमदाबाद से पहले गुजरात को, जो गुजरात की जो राजधानी थी वो क्या थी? पाटन थी, ठीक। अब देखिए, इसके बाद अब कौन आता है? देखिए, अब इसमें हम आगे पढ़ेंगे किसको? नेक्स्ट शासक को। और नेक्स्ट शासक तुम्हारे कौन हुए उसके बाद? जो आपके अगले शासक हुए वो होते हैं मोहम्मद साहब सेकंड। इसके बारे में बात कर रहे हैं, मोहम्मद साहब द्वितीय के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। मोहम्मद साहब सेकंड के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए, इसकी जो अवधि है वो है 1442 से लेके और 1451 के मध्य में। कब से कब तक? 1442 से लेके और 1451 तक क्या करता है? शासन करता है। कुछ खास बातें नहीं थी लेकिन फिर भी हम इस शासक के तौर पर इसके बारे में जानते हैं। देखिए, इसने करीम की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी? इसने करीम की उपाधि धारण की थी। और करीम का अर्थ होता है दयालु। क्या होता है? करीम का अर्थ होता है दयालु, ठीक है। और इसने एक और उपाधि धारण की थी, कौन सी? इसको लोग बोलते थे, वास्तव में वो बोलते थे जरपक। क्या बोलते थे? जरबक्स, ठीक है। इसका अर्थ होता है सोने का दान देने वाला, सोने का दान देने वाला, ठीक है। तो इसके बारे में मोहम्मद शाह सेकंड उसके पास शासन बनता है 1442 से लेके 51 तक। करीम का अर्थ होता है दयालु और जरबक्स का अर्थ होता है सोने का दान देने वाला। अब देखिए, इसके बाद जो गुजरात का शासक बनता है वो बनता है अहमद शाह सेकंड। इनके सिर्फ नाम याद रखने हैं आपको, अहमद शाह सेकंड जो होता है वो शासक बनता है। और ये जो है 1451 से लेके और 1458 तक शासन करता है, यानी कि 7 वर्ष तक इसने क्या किया था? शासन किया था। और अहमद शाह सेकंड के बाद जो शासक बनता है वो बनता है दाऊद साहब। कौन बनता है? दाऊद साहब बनता है। और ये केवल एक साल शासन करता है 58 से 58 के मध्य में ही, एक साल भी पूरा नहीं कर पाता, ठीक है। तो दाऊद शाह करता है 1458 में केवल शासन करता है। और अहमद शाह सेकंड जो है वो 1451 से 1458 के बीच में क्या करता है? शासन करता है। तो ये कुछ बीच में शासक हुए थे, इनको मैं सोच रहा था एक बार तो छोड़ दूँ, लेकिन फिर पूछते साहब ये कहाँ से आ गए? अगर मैं सीधे ही बात करता महमूद बेगड़ा के बारे में, जिनको लोग वास्तव में कुछ लोग उसको महमूद बेवड़ा बोलते हैं, ठीक है। तो अब जो है हम जो वास्तविक शासक के रूप में पढ़ेंगे तो वो महमूद बेगड़ा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बीच के कुछ शासक थे जो मैंने बता दिए।
देखिए, मैंने बिगड़ा, ठीक है, महमूद बेगड़ा। दाऊद शाह के बाद क्या बनता है? ये शासक बनता है और इसके शासन का जो कालक्रम है उसके बाद ये शुरू होता है 1458 से लेके और 1511 तक ये शासन करता है। काफी लंबा शासक हो गया, ठीक है। महमूद बेगड़ा जो होता है वो 1458 से लेके और 1511 तक क्या करता है? शासन करता है 50 के आसपास। अब देखो आगे क्या होता है। महमूद जो बेगड़ा था, इसने जो उपाधि धारण की, जो इसका मूल नाम था, पहले के मूल नाम, अब देखिए इसका जो मूल नाम होता है वो क्या होता है? फतेह खां होता है, ठीक है, फतेह खां। याद रखना है जफर खां इन या फिर हुआ तुम्हारा फतेह खां, इनको आपस में जोड़ना नहीं है, ठीक है। अलग का हुआ, जफर का हुआ, फतेह का हुआ, तो इनको भी अलग अलग करके रखना है, कहीं ऐसा ना हो आप लोग नसरुद्दीन मोहम्मद शाह को बना दो फतेह खां और उलूक खां को बना दो जफर खां, तो इनको कन्फ्यूजन में नहीं रखना है, एक दो बार लिखकर याद कर लेना है, ठीक है। देखिए फतेह खां जो होता है ये क्या था? इसका मूल नाम होता है। आप देखिए इसके द्वारा क्या किया जाता है? तो इसके द्वारा महमूद बाद की, इसको बोलते हैं महमूदाबाद, लेकिन बाद का नाम था महमूदबाद नगर की स्थापना की। क्या की? स्थापना की, ठीक है। तो इसने नगर जो बसाया था उसका नाम क्या था? महमूदबाद नगर की क्या करता है? ये स्थापना करता है। इसके अलावा इसके दरबार में, इसके दरबार में दरबारी कवि उदयराज था। कौन था? उदयराज था, जिसने जिसने क्या किया था? महमूद चरित की, महमूद चरित की स्थापना की, ठीक है। तो इसके दरबार में दरबारी का पिता कौन था? उदयराज था, और उदयराज के द्वारा क्या इसकी स्थापना की गई? महमूद चरित की क्या की जाती है? स्थापना की जाती है, जिसमें इसके बारे में संपूर्ण जो विवरण है वो दिया हुआ है। अब इसके अलावा और देखिए इसने क्या किया था? जो मिस्र के जो शासक थे उनके साथ संबंध स्थापित किए थे और उनसे जहाजों का बेड़ा जो है वो प्राप्त किया था। किनके विरुद्ध? पुर्तगालियों के विरुद्ध। इसने प्रयास किया था कि मैं जो हूँ वो पुर्तगालियों को परास्त कर दूँ। पहले तो इसने क्या किया था? पुर्तगालियों को जमीन दी थी व्यापार करने के लिए, लेकिन जब पुर्तगाली भारी पड़ने लगते हैं तो ये क्या करता है? उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचता है और उनको परास्त करने का प्रयास करता है, लेकिन सफल नहीं होता। तो लिखिए इसने मिस्र के शासकों से जहाज बेड़ा प्राप्त किया। जहाज बेड़ा प्राप्त किया, ठीक है। तथा पंद्रह सौ नौ में पुर्तगालियों पर आक्रमण किया, लेकिन स्वयं लिखूं या खुद लिखूं?
स्वयं ही परास्त हो गए। ठीक है, आप लोग ये बात सोचो, आप लोग किसी को पीटने जाओ, यानी कि आप किसी को पीटने गए उसके घर और उसने आपको पीट के भेज दिया, तो कैसा लगेगा? ऐसा ही इसके साथ हुआ था। इसने क्या किया, 1509 में किन पर आक्रमण किया, पुर्तगालियों पर आक्रमण किया था और खुद ही क्या हो गया, युद्ध हार गया। तो पुर्तगालियों पर क्या किया, आक्रमण किया, लेकिन स्वयं ही क्या हो गया, परास्त ये हो जाता है। ठीक है, तो ये इसकी छोटी सी क्या होती है, स्टोरी होती है महमूद बेगड़ा के बारे में। ठीक है, इसका एक मुख्यमंत्री था, इसका एक मुख्यमंत्री था मलिक गोपी, लिख लो। इसने एक ब्राह्मण मलिक गोपी को अपना मुख्यमंत्री नियुक्त किया। ठीक है, वैसे बोर्ड भी बढ़ गया। तो इसने क्या किया, ब्राह्मण थे मलिक गोपी, उनको क्या किया, नियुक्त किया। और हाँ, इनके बारे में एक स्टोरी और याद है, इन्होंने क्या किया, अपने लिए एक लड़की, हिंदू लड़की से विवाह करना चाहते थे, तो उसके लिए इन्होंने ब्राह्मणों को नियुक्त कर दिया। बोले कि तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन एक सुंदर सी लड़की जो है मेरे लिए ढूंढ के लाओ। तो इनके जीवन से ये जुड़ी हुई घटना है, फिर ब्राह्मणों को भेजते हैं, ब्राह्मणों ने दिन रात एक कर दिए थे और अंत में जाके वो बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो ढूंढ के लाते हैं, जिनमें से बाद में ये कुछ को पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये इनके जीवन से जुड़ी स्टोरी थी, लेकिन हमको फैक्ट के ऊपर बात करनी है, वरना मैं अगर बोर्ड पर लिखाऊँ इसके बारे में, महमूद बेगड़ा के बारे में, तो फिर सुबह से शाम हो जाएगी, लिखते लिखते शाम हो जाएगी। ठीक, महमूद बेगड़ा जो था ये धर्मांध था, ठीक है, और इसने भी क्या किया था, जजिया कर लगाया था महमूद बेगड़ा, भले लिखना चाहते लिख लेना, इसने भी हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था। क्या लगाया था इसने, जजिया कर लगाया था हिंदुओं के ऊपर। ठीक है, और इसने क्या किया था, और इसके द्वारा चंपानेर, चंपानेर जो है वहां पर मोहम्मदाबाद एक शहर बनवाया जाता है, जिसको ये अपनी क्या बनाता है, दूसरी राजधानी बनाता है। तो ऐसी इसे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हमको सिलेबस को याद रखना है इसलिए। और आप लोगों, क्योंकि आप लोग वैसे ही कुछ बच्चे बहुत कम पढ़ते हैं, अगर उनको ज़्यादा पढ़ाएंगे तो फिर वो भाग जाएंगे, इसलिए। तो चलिए आगे पढ़ेंगे हम फिर नेक्स्ट वीडियो में, और कल शायद हम बंगाल के बारे में चर्चा करेंगे, और बंगाल के बाद शायद ये जो चैप्टर है वो आपका समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे चैप्टर समाप्त होते हैं बच्चों को खुशी ज़्यादा होती है। ठीक है, और आप लोग जो हैं ठीक है, आप लोग जो हैं टेलीग्राम यूज़ करते होंगे, उम्मीद है टेलीग्राम जो ऐप है वो सब यूज़ करते होंगे, तो वहाँ पे आपको सर्च करना है SACHIN, सचिन सर हिस्ट्री। ठीक है, तो ये तुमको टेलीग्राम पे सर्च करना है, जहाँ पर इस नाम से क्या मिलेगा, एक तुमको चैनल मिल जाएगा, उसको क्या है, वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे हम जैसे हमने आज एक लेक्चर पढ़ाया, तो इस जब ये ख़त्म हो जाएगा तो इसके बारे में 25 के आसपास हम क्या डालेंगे, क्यूज डाल देंगे वहाँ पे। ठीक है, क्या डाल देंगे, क्यूज डाल देंगे, तो उनको तुम क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, जो छोटे छोटे क्वेश्चन कि नसरुद्दीन मोहम्मद शाह की उपाधि किसने धारण की थी, जफर खान का पुत्र कौन था, अलाफ खान कौन था, तो ऐसे क्विज हम उसमें डालेंगे तो तुम उनको सॉल्व कर सकते हो। तो इसलिए टेलीग्राम पर ये सर्च कर सकते हो सचिन सर हिस्ट्री, यहाँ पर क्या सेफ्टी है, क्योंकि टेलीग्राम पर आपका नंबर जो होता है वो शो नहीं होता। ठीक है, और आप
कितने गलत करते हो और कितने सही करते हो ये केवल मैं ही देख पाऊंगा और कोई नहीं देख पाएगा, इसलिए आपकी बेइज्जती भी नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए टेलीग्राम पर तुम इस नाम से सर्च कर सकते हो। तो ठीक है, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।